हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम एक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने आगे के वीडियो में जो अतिबला मेडिसिनल प्लांट था इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे दुग्धिका, जिसको यहाँ पे अस्थमा प्लांट भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अस्थमा प्लांट क्यों बोलते हैं? तो ये यहाँ पर वाइडली यूज़ होता है। अस्थमा दमा की कंडीशन है इसके अंदर, इस वजह से इसको बोलते हैं अस्थमा प्लांट। इसका बोटनिकल नेम है, जो लेटिन नेम रहता है, साइंटिफिक नेम रहता है, ये रहता है यहाँ पर यूफोरिया हिल्टा। जो यहाँ पे इसकी फैमिली रहती है, ये रहती है यूफोरबियेसी, जो कि जो एरन रहता है, दिवेल रहता है, इसकी फैमिली का एक मेंबर है ये। ये यहाँ पे 2 फीट हाइट तक इसका ग्रोथ होना, और इसकी जो डाल है इसके ऊपर ऐसे हैरी लूम देखने को मिलते हैं हमें। देन इसकी जो डाल है इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से वाइट कलर का लेटेक्स दुग्ध निकलता है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं दुग्धिका। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। तो इसका जो जूस है, इसका डोज़ रहता है 10 से 20 ड्रॉप्स, और इसका जो पाउडर फॉर्म रहता है ये 200 से 600 mg आप ले सकते हैं। इसका ज़्यादा डोज़ लेने की वजह से आप में स्टमक इरीटेशन रह सकता है, पेट के अंदर जलन सा महसूस होना, उसके अलावा देखिए तो नौजिया रह सकता है आप में, उबका रह सकता है, कब्ज रह सकता है। तो इसका यूज़ करने से पहले जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है इसको दिखा सकते हैं आप। ये जो प्लांट है इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? तो ये पूरा जो प्लांट है ये यूज़ होता है दुग्धिका है। इसको गुजराती में बोलते हैं यहाँ पे नागला दुधेली, देन हिंदी है इसमें बोलते हैं इसको दूधी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अस्थमा प्लांट। ये जो प्लांट है इसको प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करना रहता है। ये एक रद्य है, हार्ट टोनिक है, उसके अलावा देखिए तो शुक्रल भी है। ये जो स्पर्म है हमारा, इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है इसको बढ़ाता है। उसके अलावा देखिए तो ये मूत्रल भी है, पेशाब को बढ़ाने वाला भी रहता है। किस किस कंडीशन में ये यूज़ होता है? तो ये यहाँ पे अस्थमा की कंडीशन है, दमा की कंडीशन है, देन ब्रोंकाइटिस, जो श्वसन नलिका रहती है उनकी सूजन की कंडीशन में, देन दस्त की कंडीशन है, देन जो गंभीर प्रकार के दस्त रहते हैं डायसेंट्री प्रवाहिका, उसके अंदर भी यूज़ होता है। उसके अलावा देखिए तो कंजक्टिवाइटिस जो कंडीशन रहती है आँख की इन्फेक्शन की, उसके अंदर, देन वॉर्म इन्फेस्टेशन पैरासाइट इन्फेक्शन की कंडीशन में, देन ददरू का कंडीशन है जो दादर रहता है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। उसके अलावा देखिए तो ये इम्प्रूव द ब्रेस्ट मिल्क क्वांटिटी, ये जो दुग्ध है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के भी यूज़ होता है। देन ये रीनल कैलकुलस पथरी की कंडीशन है, इसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये था यहाँ पे दूसरा मेडिसिनल प्लांट दुग्धिका के बारे में, अस्थमा प्लांट के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।